जय हिंद जय हिंद। कैसा है पेपर भाई? बढ़िया। कितने लोग पहली बार दे रहे हैं, हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टेस्ट जो दे रहे हैं, चलिए बढ़िया। कुछ फॉर्मेट सीखने को मिला, पैटर्न समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही पैटर्न होगा। अब इसके बाद जब रिजल्ट आएगा, देन वी विल अंडरस्टैंड समथिंग वेरी डिफरेंट एक्चुअली, क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है निकल के। पेपर कैसा है? बढ़िया है, बिल्कुल। और ऐसे ही जोश, इंडियन नेवी का एग्जाम है 24 को, कब है? और इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, दोनों अप्लाई करिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इस बार पूरी गारंटी है, इंडियन नेवी ऑनलाइन जा रही है, क्या जा रही है? और इंडियन कोस्ट गार्ड तो ऑनलाइन करना ही करना है, तो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो डोंट इग्नोर इट, गिव योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड, सो यू मेक इट बेटर। नेवी में भी यही रहेगा बेटा, हर महीने 4 संडे हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपर, हर संडे, हर महीने एक संडे को एनडीए का मॉक टेस्ट, एक संडे एयरफोर्स देंगे, एक संडे नेवी देंगे, और एक संडे क्या देंगे? आईसीजी देंगे। 4 संडे प्रॉपर ये फेस करना है तुम लोगों को, और एक संडे स्पेशल हम लोग प्लान करेंगे फेज टू के लिए। किसके लिए प्लान करेंगे? मतलब फेज टू की पूरी जर्नी, दैट मीन रेस 1.6 किलोमीटर की, पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड सिटअप्स, देन प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 मीन्स SRT का टेस्ट, एंड विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट एंड फीडबैक फॉर दैट ऑल्सो, एंड आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 मतलब प्रॉपर GD, एंड फॉर दैट ऑल्सो विल गेट द फीडबैक। द रीजन बिहाइंड डूइंग ऑल द थिंग्स इज, इन सब चीज़ों को करने का उद्देश्य केवल एक होगा बच्चा, कि शुड रियलाइज द रियलिटी अबाउट योर परफॉर्मेंस, आप अपने आप को वास्तविकता में देख सकें, और फिर महीने भर मेहनत करें उस टेस्ट में, उस परफॉर्मेंस में खुद को क्या करने के लिए, बेस्ट करने के लिए। क्लियर? तो चलिए, गुड लक फॉर माई साइड एंड गिव द बेस्ट, थैंक यू। चल, जिनका हो जाएगा धीरे धीरे जाते रहेंगे। तो चलिए, बिल्कुल हम लोग इस समय पूरी तरह से थे, जैसा कि आपने देखा कि लैब के अंदर, एंड ऑब्वियसली स्वागत है आप सबका। और मुझे लगता है एयरफोर्स मॉक टेस्ट एक जरिया है मोटिवेशन का, और मैंने हर कैंडिडेट को बड़ा फोर्स तरीके से चीज को कहा, बेटा कि बैठने का टाइम नहीं है, ये उठ खड़े हुई है, बिल्कुल अगली अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। एक निराशा जरूर है कि सर रिजल्ट्स नहीं आए, एक निराशा है एनरोलमेंट नहीं पब्लिश हुआ है, बट इन सब के बीच एक आशा है कि सब कुछ होगा और बेहतर तरीके से होगा। और बिना MKC परिवार, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर क्षण हर सेकंड आके हम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। बैठने का मसला नहीं है बेटा, फॉर्म बिल्कुल जल्द से जल्द घोषित होने वाले हैं, रिजल्ट्स को भी लेके बात चल रही है, बहुत जल्द आपके सामने सब कुछ बेहतर होने वाला है बेटा। तो जरूरी है कि आप अपनी क्षमता और अपने परफॉर्मेंस को आंकें और उसको फाइंड आउट करें। इसी उद्देश्य को, इसी पर्पज को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडक्ट किया ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे है एयरफोर्स के, जिस तरीके CVT फॉर्मेट में, दैट मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स आपका कंडक्ट करता है, इन द सेम वे हम भी यहाँ पे वो चीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि इस मॉक टेस्ट में आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो हमारा शेड्यूल है 24 अप्रैल को है, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चों के लिए हो रहा है। एक प्रश्न और बड़ा होगा कि सर आखिर इंडियन नेवी का एग्जाम इस बार कैसा होगा? बिल्कुल ऑनलाइन होगा, और इंडियन कोस्ट गार्ड तो ऑनलाइन होगा ही होगा बेटा, बट बहुत जरूरी है यार कि जो अब तक पढ़ाई की है, जो आपने समझा है, जरूरत है कि इस मॉक टेस्ट में आइए, इस लाइव टेस्ट में आइए, और यहां आकर के रियलाइज करिए कि वाकई में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप में क्या कमी है, और वाकई में जो प्रिपरेशन अभी तक आपकी है इंडियन नेवी को लेके, इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके, इंडियन फोर्स को लेके, क्या वो प्रिपरेशन उस लेवल तक है जो रिक्वायरमेंट वहां है? बार बार जाके किसी से कट ऑफ नहीं पूछना है बेटा, एक ऐसी परफॉर्मेंस दे देनी है ना कि उसके बाद श्योर शॉट सक्सेस लिखा जाए। और MKC परिवार वचनबद्ध है उस चीज के लिए, और हम बिल्कुल इन्हीं प्रयासों से आपको रियलाइज करा रहे हैं कि आपका रियल पोटेंशियल और रियल स्टैंडर्ड क्या है, और कहां कमी है, और क्या बेहतर करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कभी ऑनलाइन प्रैक्टिस पाए ही नहीं होते, तो आप सबके लिए मौका है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस वर्जन में आए और चीज़ों को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करें कि आखिर ऑनलाइन टेस्टिंग प्रोसीजर में किन बातों का और किन बारीकियों का ख्याल रखना होता है, जिससे उसी बेहतर टाइम के अंतर्गत एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर के रूप में एस्टैब्लिश कर पाए। और मैं कह देना चाहता हूँ, जितना हमारा लक्ष्य एयरफोर्स, नेवी और ICG के ऑनलाइन फॉर्मेट पे टेस्ट कराना है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हर महीने क्रमबद्ध तरीके से, उतना ही हम फेज टू को लेके भी कॉन्शियस हैं। तो महीने में एक बार आपको जबरदस्त मौका मिल रहा है, देश के हर राज्य से बच्चा, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू, किसी भी राज्य विशेष से आप आते हैं बेटा, मध्य प्रदेश से हैं, प्लीज़ वेस्ट बंगाल से हैं, आप सब बढ़ चढ़ के आइए और इस फेज टू में भी पार्टिसिपेट कराइए, जहाँ प्रॉपर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, प्रॉपर पुशअप्स होंगे, स्क्वाट्स होंगे, सेटअप्स होंगे,
और कमाल की बात, प्रॉपर अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी कंडक्ट किया जाएगा, जो कि सेम फॉर्मेट पे होगा जिस तरीके से कल को इंडियन नेवी का बच्चा जाके फेस करेगा, जिस तरीके से फेस 2 में इंडियन कोस्ट गार्ड का बच्चा जाके फेस करेगा, और जिस तरीके फेस 2 में इंडियन एयरफोर्स का बच्चा जाके फेस करेगा, वो पूरा जर्नी और पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एक बार फिर से आपके लिए। और मेडिकल गाइडेंस जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं देश का कहना चाहता हूँ गर्व से, इकलौता मेडिकल सेंटर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की पूरी एक्सपर्ट टीम आपको मेडिकल की हर बारीकी को गाइड करेगी और आपको अप टू द मार्क कर देगी। तो यार फिर इंतजार किस बात का, आइए फटाफट इस महायुद्ध का हिस्सा बनिए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और एयरफोर्स ने भी आईसीजी जैसे एग्जाम आपके सामने आए बिल्कुल उसको फोड़ दीजिए, और इसी को फोड़ने को लेकर बच्चे आज जबरदस्त जोश और कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठे हैं, बस जरूरत है आप सबके भी पार्टिसिपेशन की। तो वेलकम एवरीवन, 24 के लिए जाके फटाफट मेजर कल्सी क्लासेस के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट सेशन में जाएंगे, फटाफट अप्लाई करिए, इसका आंसर की भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा जो कि एमकेसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है पूरी तरह से। जाइए पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी देखिए, आंसर की जाके डाउनलोड करिए, पेपर भी जाके डाउनलोड करिए, और साथ ही साथ अगले मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो वेलकम एवरीवन, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत। हेलो, मैं आदर्श सिंह है, मैं यहाँ मॉक टेस्ट देने के लिए आया यूट्यूब चैनल से प्रेरित होके, और यहाँ एक्स वाई के लिए मैंने अप्लाई किया था मॉक टेस्ट के लिए, और मुझे बढ़िया लगा, एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ, मैंने दिया अपना यहाँ पे टेस्ट, और जिस तरीके से सब एग्जाम होते हैं उस तरीके से आपको एक मिल जाएगा कि हाँ आप इस तरीके से रेडी हो सकते हैं। इसमें जिसमें मैंने क्वेश्चन किए हैं टोटल 77 किए हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, वो अंदाजा रिजल्ट मिलने के बाद हो सकता है, अब बाकी छोड़े हैं जो उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर नेवी का मॉक टेस्ट है अभी 24th को, तो उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी हम थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे। मेरा नाम नीरज मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई का मॉक टेस्ट देने आया हूँ, जो कि मुझे अपने दोस्तों के थ्रू पता चला, तो काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार लगा मतलब कि कैसे ऑनलाइन सिस्टम पर हम लोग बैठ के दे सकते हैं मॉक टेस्ट, मतलब एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा, और अभी काफ़ी कुछ सीखना है, और अभी 24 तारीख को नेवी और कोस्ट गार्ड का भी मॉक टेस्ट है संडे को, तो मैं तो भरूंगा, साथ में आऊंगा भी देने, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ के, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की, वो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें और ज़रूर यहाँ पे देने आए। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ, और यहाँ पे जब यहाँ मैंने एडमिशन लिया हुआ है एमकेसी में, तो मुझे यहाँ मॉक टेस्ट के बारे में पता चला, तो मॉक टेस्ट का मैंने रजिस्ट्रेशन किया और फिर उसका एग्ज़ाम दे दिया मैंने, तो ये मेरा पहली बार था जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इससे पहले मैंने कभी एयरफोर्स का पेपर भी नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ, और उसी तरह फील हुआ कि उसी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है, पेपर वगैरह जो था सो मतलब वैसा ही, मतलब उसी स्टैंडर्ड का लगा मुझे कि एयरफोर्स का ही पेपर है। एमकेसी जो है क्लास कोचिंग बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे हर फैसिलिटी दिया जाता है, हमें मॉक टेस्ट फ्री में करवाया जाता है, फिर डाउट काउंटर भी है, और यहाँ पे आप किसी भी टाइम में आकर के डाउट काउंटर पे बैठ सकते हो और किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो।